फर्स्ट ईयर मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा जिम में जो पौधों पर पाए जाते हैं उनको हम विशेष नाम से पुकारते हैं, जिनको कि फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है, और थोड़े से ये फ़र्क हैं एमएलओ से, तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्या अंतर है इसमें। ये एमएलओ के समान ही होते हैं संरचना के हिसाब से, लगभग 250 से ज़्यादा पौधों में पाए गए हैं। डोई अटाल ने इनकी खोज की है 1967 में। इनकी ट्रू नेचर और जो क्लासिफिकेशन की पोजीशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। संरचना के हिसाब से देखें तो ये एमएलओ के समान है, लेकिन जीनोटाइप जो है इनका अलग प्रकार का होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको किसी भी तरह से हम समर्थन माध्यम पर ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते। जैसे कवकों को आप उगा सकते हैं, वैसे इनको नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि इनके खास बात है कि ये फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। फिलहाल इनका क्योंकि वर्गीकरण फ्लोएम में पाए जाते हैं, और फ्लोएम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लोएम के सीव सेल का मैंने पहले बताया था, जैसे उसको जो उसका संगठन है उसको हम प्राकृतिक जो संगठन को उसको हम कल्चर मीडियम में कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको जो फाइटोप्लाज्म है उनको कल्चर भी नहीं कर पाते हैं। फिलहाल फाइटोप्लाज्मास को मॉलिक्यूल्स के समूह के अंदर ही रखा गया है, लेकिन अभी कोई फैमिली इनको असाइन नहीं की गई है। पादपों में, पोषवाहा ऊतक में, चालनी नलिकाओं में इनका ये उपलब्ध होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, और बस सीव सेल्स में ही मिलते हैं और उसके आसपास के टिश्यू में नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्पेसिफिक है। इसके अलावा क्योंकि जो भी इनका जो ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, वो कीटों के द्वारा होता है, तो जो इंसेक्ट वैक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो या तो प्लांट के पोषवाह ऊतक में मिलेंगे या फिर उस जो कीट हैं उनके अंदर मिलते हैं, और इनकी संख्या जो है जो कीटों के अंदर आप अगर इनका नंबर काउंट कर देंगे तो 370 से लेकर 34,000 या कभी कभी किसी किसी में 1.5 मिलियंस तक जा सकती है। अगर अल्ट्रास्ट्रक्चर देखें, कोशिका की संरचना देखें, तो लगभग एमएलओस का जैसे ही है, सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, गोलाकार शेप के होते हैं या अंडाकार हो सकते हैं, कभी कभी इलांगेटेड या ट्यूबुलर भी हो सकते हैं। एमएलओस के समान ही इनका साइज़ जो है वो लगभग 300 नैनोमीटर्स होता है। फिलामेंटस और इरेगुलर हो तो उसका साइज़ लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा। जो केंद्रकाब है, मतलब जो न्यूक्लियस मटेरियल, तो इसमें होता नहीं है, डीएनए होता है, तो गोल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए के अतिरिक्त यहाँ पर आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए आपको तीनों प्रकार के आरएनए मिलेंगे इसमें। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 530 to 1130 किलो बेस इसका आकार रहता है। पहचान के लिए क्या करें, क्योंकि कल्चर नहीं किया जा सकता है, तो इनकी कॉलोनी की साइज़ आप नहीं देख सकते हैं, कॉलोनी का शेप नहीं देख सकते हैं, उसका कलर नहीं देख सकते, तो इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ से टेस्ट कर सकते हैं हम, उसके द्वारा किया जा सकता है, या डीएनए, जैसे आपने फाइटोप्लाज्मस का डीएनए का प्रोब्स बना लिए तो विशेष प्रोब के द्वारा इनकी पहचान हो सकती है, या आरएफएलपी प्रोफाइल एक तरीका होता है जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके डीएनए को काट करके और फिर उनका प्रोफाइल देखा जाता है, उनको रन करके उसके ऊपर जेल के ऊपर, और उनका कंपोजिशन देखते हैं कि वो किस तरह से है, तो वो अगर मैच करता है तो उसके हिसाब से भी इनको पहचाना जा सकता है, या राइबोसोमल आरएनए के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। तो ये सारे तरीके जो हैं माइक्रो जो आपने केमिकल्स होते हैं उनके आधार पर है। इसी तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इसके लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा ही इनको पहचाना जा सकता है। तो केमिकल मेथड से, बायोकेमिकल मेथड से बहुत, जहाँ पर कि मॉलिक्यूलर हम स्टडी करते हैं, उन मेथड से हम इनको पहचान सकते हैं। इनका ट्रांसमिशन जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में कीटों के द्वारा होता है। वहाँ पर ये कीटों के जो सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, या आहार नलिका होती है एलिमेंट्री केनाल, या जो रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ जो होता है उसमें भी पाए जाते हैं, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट्स हैं जो कि इसका संचरण करते हैं, उनमें पादप फुदक जिनको हम लीफ हॉपर्स कहते हैं, या सिलिड्स, ये इनको
ज़्यादा वो हैं, उपयोगी हैं। ये प्लांट पार्ट से स्पेशली जो स्टेम होता है, लीफ के अंदर जो वेनलेट्स होती हैं उनके अंदर फ्लोएम से रस चूसते हैं, और वहीं से जब उस रस के साथ में फ्लोएम का जो कंटेंट्स होता है उसके साथ में ये माइकोप्लाज्मास उनके सलीवरी सिस्टम में चले जाते हैं, आहार नलिका में चले जाते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं और कई बार उनके अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं। जब ये दूसरे प्लांट पर रस चूसने के लिए जाते हैं तो वहाँ सलीवरी ग्लैंड के माध्यम से ही ये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कीट में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 गुना से 45 गुना तक कर सकते हैं, और एक बार अगर वो कीट में चले जाते हैं तो उसके पूरे लाइफ टाइम तक ये बने रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक में चला गया तो इंसेक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए उसका ट्रांसमिशन कारक बन जाता है। पादप रोग में कलम के द्वारा भी ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे मैंने बताया था इंसेक्ट इन्फेक्टेड प्लांट को अगर आप किसी हेल्दी प्लांट पे लगा देते हैं तभी भी ट्रांसमिशन हो सकता है। पादप रोग कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसमें लघुपन रोग है जिसमें कि बहुत पत्तियाँ जो है उनका साइज़ बहुत छोटा छोटा हो जाता है, सामान्य आकार से काफ़ी छोटी पत्तियाँ आपको मिलेंगी। पीत रोग में प्लांट में येलोइंग हो जाती है। ग्रासी शूट डिजीज़ शुगर केन में है, इसमें आपने सबने गन्ना देखा होगा कि गन्ने का तना कितना मोटा होता है, और आप सब लोगों ने घास भी देखा है, तो जो तना होता है गन्ने का वो घास के समान हो जाता है, बिल्कुल पतला पतला हो जाता है, तो नेचुरली उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हो पाएगा, है ना, जो शुगर केन में शुगर स्टोर होती है वो नहीं हो सकती है, तो कोई यूज़ नहीं रहेगा। टमाटर में बृहद कलिका रोग होती है, बिग बर्ड डिजीज़ ऑफ टमाटो बोलते हैं, जो भी फ्लावरिंग पिग्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के बर्ड्स मिलती हैं, तो उस स्थिति में इसके जो बर्ड्स हैं उनसे फ्रूट नहीं बनता, तो जो भी प्रोडक्ट रहता है उसकी क्षति होती है। पर्णावता में फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, पुष्पीय अंग होते हैं या उसके आसपास के जो पार्ट्स होते हैं, पत्नीनुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि जो भी एंटीबायोटिक हैं जिनके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो एक ग्रुप टेट्रासाइक्लिन का हम बोलते हैं, ये मेटाबॉलिक एंटीबायोटिक हैं जो कि जैसे डिवाइड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए बनता है, तो वहाँ पर ये काम करते हैं, उन रिएक्शंस में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स को, जो टेट्रासाइक्लिन टाइप के एंटीबायोटिक हैं, उनको हम स्प्रे कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर 500 ppm कॉन्सेंट्रेशन में। पर ऐसा देखा गया है कि सिम्टम्स जो हैं कुछ समय के बाद में फिर से आ जाते हैं, कुछ समय तक तो रहता है प्रभावी एंटीबायोटिक लेकिन बाद में नहीं, और एंटीबायोटिक महंगा भी है, तो बहुत अगर वैल्यूएबल प्लांट हो आपका, बहुत महंगा सा हो, तब तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये जो तकनीक है एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने की, ये काफ़ी महंगी पड़ती है। कभी कभी गर्म पानी से ट्रीटमेंट देना भी प्रभावी होता है। रोगरोधी किस्मों का उपयोग बेस्ट है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगभग रोगरोधी किस्में नहीं के बराबर हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही आप रोगी पादप को देखते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसको जला करके नष्ट कर देना चाहिए, ताकि जो सोर्स है, जो डिजीज़ को स्प्रेड करने का सोर्स है, वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, जो वाहक कीट होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वो दूसरे प्लांट तक इसका नहीं जाए। अब ये देखिए, ये फाइटोप्लाज्मा इसमें दिखाए गए हैं, इसके अंदर जो कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर है,